हाय राधिका जी, कैसी हाँ, हो मैं ठीक हूँ। या क्या कहते हैं, हौसला रख भी बहुत अच्छा कर रही है। आज 33 का मोड हो गए, और जब हम कल आएंगे लाइव, उसके बाद हम नंबर 5 पर आ जाएंगे पंजाबी इंडस्ट्री में। वाह, और हमें अगर हमने 58 करोड़ का कलेक्शन कर लिया तो ये मूवी नंबर 1 मूवी बन जाएगी पंजाब की। क्या हो लगता है, जाएगा 50 हो जाएगा 58 हो जाएगा? हो जाएगा। बिकॉज अभी लाइक बॉम्बे का अभी खुला है, राइट? वर्ड ऑफ माउथ पे ही चल रहा है ये। आपको पता है वो आरजे करण, जिसने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया था इसका, शहनाज का, बिग बॉस के बाद, याद है वो यस, आरजे करण? हाँ। और इसने सिद्धार्थ का भी अलग से लिया था, तब उसने मेडिटेरेनियन फूड के बारे में पूछा था, वो वाला बंदा वो। और सलील आचार्य, ये दोनों ना जा रहे हैं मुंबई के थिएटर्स में देखने के लिए हौसला रख। अभी ये लोग तो मीडिया वाले हैं, इनके अपने अपने मीडिया पोर्टल्स हैं, तो ये लोग तो रिव्यू डालेंगे ही। तो वो उन्होंने कहा कि हम सब मिलके, मीडिया वाले जो भी जर्नलिस्ट हैं उनका जो ग्रुप है, वो सारे मिलके हौसला रख देखने जाएंगे। अगर वो लोग जाते हैं इस हफ्ते, तो फिर वो ऐसे स्प्रेड होता रहेगा वर्ड ऑफ माउथ। बिकॉज अभी तो फ्राइडे को खुली है ना बॉम्बे में, यस, दो ही दिन हुए हैं, तो इस हफ्ते थोड़े और कलेक्शंस आएंगे, हो जाएगा। बिकॉज इंटरनेशनल, बहुत इंटरनेशनल मार्केट हैज बीन गुड ना, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। मतलब यूरोप मतलब सिर्फ लंदन ही नहीं, और भी यूरोपियन कंट्रीज में रिलीज हुई है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिर यूएस में, यूएस और कनाडा तो है ही है। और कनाडा मतलब आफ्टर बिग, ये तो, ये मुझे लगता है, आई एम सॉरी बट मुझे लगता है ये शहनाज की वजह से है। ये अरे इतने इतने लार्ज स्केल पे सिर्फ शहनाज ही ला सकती है क्राउड टू द थिएटर्स, और कोई नहीं, और किसी के बस की बात नहीं है। आई एम सॉरी, नो लगता ऑफेंस क्या टू है, दिलजीत दिलजीत करण। लगता क्या है, यही सच है। हाँ मतलब दिलजीत फैंस को मैं अफेंड नहीं करना चाहती, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है दिलजीत। उसके भी पहली मूवीज आई हैं, अगर आप ट्रैक देखोगे, ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, तो द नंबर्स विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। एंड हम खुद सोचो, अगर इसमें सहनाज नहीं होती हौसला रख में तो मैं क्या जाता। मैं मैं तो हम एक जाते नॉन पंजाब, हम तो एग्जैक्टली जानते हैं पंजाबी, क्योंकि हाँ मैं सहनाज कौर गिल का फैन हूँ, इसलिए मैंने ये पंजाबी मूवी देखी। वाई देन आई गो टू थिएटर, इसका मतलब अभी 33 करोड़ हुआ है सैटरडे तक का, तो 33, वी नीड 27 करोड़। 27 + 33, फिफ्टी अभी देखो, एट करोड़ अभी अभी आप हिसाब लगाओ, 15th को खुली है यहाँ पे, राइट, वर्ल्ड वाइड, है ना? एक हफ्ते बाद खुली है बॉम्बे में, राइट? तो अभी ये 1.5 वीक का 33 हो गया, आधे से ज्यादा, मतलब अपने टारगेट के आधे से ज्यादा। वही तो तो। अगर 2 हफ्ते और चली ना, मतलब उतना नहीं होगा जितना फर्स्ट वीक में होता है डेफिनेटली, बट या वर्ड उसका ऑफ माउथ हाफ से हो हो। जाता। एग्जैक्टली, तो इस उस हिसाब से हो जाएगा वो। सच में दिलजीत फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस कर रहा है मूवी, इसके तो मजे आ गए। अगर हाँ कोई सीन वीन, कोई एक कोई सीन अगर बात करनी हो तो उसके बारे में बात कर सकते हैं, कोई हफ्ते, कोई वीक या कुछ। राधिका जी, एक बात बोली थी सिद्धार्थ ने वहां पे एक्चुअली। तो शुरू शुरू में उसने बोला था कि तुमने मोमो मैडम को, गोलगप्पा मैडम को, कि तुम मतलब शुरू शुरू में हमारी दोस्ती होने लगी थी, जहाँ करने की तुम कोशिश कर रही थी, फिर उसके बाद में तुम बदली, एंड समथिंग समथिंग लाइक दैट। मेरे को अभी वो सेंटेंस पूरे याद नहीं है। तो मेरे को वो कुछ, वो चीजें, जब वो गाना हुआ था उन लोगों का, वो तब की बात है आई थिंक।
उसके बाद जब वो लड़ाई हुई थी ना, वो पास्ता खाने वाली, उसमें यूज किया था उसने ये बात। तो आई डोंट नो उसने ये क्यों बोला था उसे, कि लाइक सिद्धार्थ की तरफ से भी वो दोस्ती बढ़ाना चाहता था जहाँ। नहीं, टेल मी, ये चाय वाले टास्क में बोला था या नहीं, इसके क्या? ये बात उसने बोली थी जब वो कैप्टन बना था और इन लोगों ने पास्ता चोरी किया था, हाँ तब बोली थी उसने कि मुझे लगा था कि तुम मतलब हमारी फ्रेंडशिप होने लगी थी, और फिर उसने बोला कि मुझे लगा था कि तुम वजीर बनोगी और समथिंग समथिंग लाइक दैट, कि मतलब तुमने कोशिश की थी फ्रेंड बनने की। तो वो बोलती है मुझे क्या जरूरत है तेरी फ्रेंड बनने की, एंड ऐसे कुछ उसने कॉन्ट्राडिक्ट किया था सिद्धार्थ को, फिर जब सिद्धार्थ ने ऐसा बोला था। मुझे पूरा प्रॉपर वो नहीं याद है उसका डायलॉग क्या था सिद्धार्थ का एक्चुअली। तो वो मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या इनकी दोस्ती सच में, वो मतलब ट्राई कर रही थी मोमो ये उस टाइम नहीं, पे। अगर अगर आपने फर्स्ट 2 वीक्स का हमारा सुना है, मेरी मतलब माय थॉट प्रोसेस इट वाज फर्स्ट वीक में इनका होता है कि मतलब मोमो का होता है कि उसको स्ट्रेटजी बनाने में वक्त लगा और फर्स्ट 2 वीक्स वो अच्छे से बात करती है लाइक सिद्धार्थ से, और या फर्स्ट फर्स्ट वीक में दैट बहुत अच्छे से बात करती है। फिर उसको बोला जाता है कि आपने हॉस्पिटल टास्क में अपना 100% नहीं दिया, ये आई थिंक सलमान भी बोलता है और कॉलर ऑफ द वीक भी बोलता है। तो बोलती है कि मैं वैसी नहीं हूँ सर, ये मेरे को हॉस्पिटल में हॉस्पिटल टास्क मुझे लगा कुछ और होगा, नर्सेस टेक केयर वाला लगा, बट मुझे ये लोगों को अजीब अजीब चीजें मिर्च खिला के मेरे से, मैं वैसी नहीं हूँ, मेरी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है सर, ऐसे बोला था उसने, राइट? फिर उसके बाद फिर वो रानी वाला टास्क हुआ लाइक मटका वाला टास्क हुआ, वहां पर भी शी प्लेड ऑन द बैक फुट एंड वहां पर भी शी वॉज प्लेइंग नाइस एंड यू नो सेम थिंग वॉज हैपनिंग। फिर उसको फिर से कॉलर ऑफ द वीक आया कि आप कॉलर ऑफ द वीक, और सलमान भी बोलता है कि 2 हफ्ते में फिनाले होने वाला है तो तुम्हारी गेम कब निकलेगी, तुम तो अभी कर रही हो। फिर यू नो सलमान ऑल्सो टेल्स हर कि तुम बहुत यू नो खुसुर पुसुर कर रही हो वगैरह वगैरह। सो एंड इवन आफ्टर द मटका टास्क, वो जो अब्दुल्ला बीच में फिश टास्क के दौरान, फिश टास्क के बाद अब्दुल्ला तू क्यों उसके साथ ऐसे कर रही है ये वो, शी इज ट्राइंग टू बी एन अब्दुल्ला बिटवीन यू नो सिद्धार्थ एंड मोमो। तो फिर मोमो और सिद्धार्थ स्मोकिंग एरिया के पास जाके बात करते हैं कि मैंने किसी को नहीं भेजा, मैंने किसी को नहीं भेजा, अगर आगे से बात करनी है तो हम 1-to-1 बात करेंगे, मैं किसी को नहीं भेजूंगी। सो वो लोग बेसिकली अब्दुल्ला को वहां से निकालते हैं। तो शी स्टिल बीइंग नाइस टू सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ, मेरे हिसाब से सिद्धार्थ को लगा बेस्ड ऑन एवरीथिंग आई हैव हर्ड फ्रॉम सिद्धार्थ इनका पहले क्या हुआ था, कि वो घर के अंदर आने से पहले इसके साथ एक पीस ऑफरिंग की थी कि लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, मतलब जो हो गया सो हो गया, रात गई बात गई, अभी हम एक नए चैप्टर में जा रहे हैं दोनों का इंडिविजुअल जो भी है, तो लेट अस नॉट कैरी दैट बैगेज इनटू द हाउस, लेट्स बी देयर, लेट्स बी कॉर्डियल, बिकॉज उसने आपकी अदालत में भी यही कहा था। तो उसका माइंडसेट वो था और वो लेके आया था, तो उसको लगा ठीक है अगर आगे से रश्मि कुछ चुगलियां नहीं कर रही है या कुछ इंस्टिगेट नहीं कर रही है, सो दिस इज गुड दैट शी इज मेकिंग एन एफर्ट। तो जस्ट लाइक ही वॉज मेकिंग एन एफर्ट टू बी कॉर्डियल, उसने मोमो को यू नो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था कि शायद वो भी वैसी कर रही है, वो नहीं कहते कि यू नो जैसे हम हैं हमें वैसी दुनिया लगती है, तो वो उसने उसको लाइक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था मेरे हिसाब से। और जब सेकेंड वीकेंड के बार में भी उसका लाइक पासा पलट
जाते हुए उसको नजर आ रहा था कि इसकी गेम ही नहीं दिख रही है और ये कुछ नहीं कर रही है. फिर सडनली वो वीक थ्री में शी चेंजेस, यू आर टचिंग मी और औकात और ये वो फलाना, वो ज्यादा एस्केलेट करती है वो आवाज की औकात. शी स्टार्ट्स ऑफ थोड़ा चुगलियां शुरू करती है बट वो ज्यादा कहीं नहीं जाता है. और उस वीकेंड के बाद पे भी यू नो सिद्धार्थ उसको कन्फ्रंट करता है बिकॉज स्मोकिंग रूम हैपेंस ऑन फ्राइडे राइट. वो स्मोकिंग रूम में वो बोलते हैं कि मैंने किसी को थर्ड पर्सन को नहीं भेजा एंड ऑल दैट. फिर सैटरडे को फिर वो बोलती है आवाज की औकात. फिर वो वीकेंड के वार पे मुद्दा बनाने की कोशिश करती है राइट. एंड देन ब्रेक में वीकेंड के वार के एक ब्रेक होता है वहां पे ही गोज एंड कन्फ्रंट्स हर. तब वहां पे दिलजीत भी होती है. ये कोयना के बाद है आई थिंक. बट वो कन्फ्रंट करता है कि हमारी बात हुई थी ना अभी अभी, ये नया कहाँ से आ रहा है, लाइक व्हाई यू क्रिएटिंग अ मुद्दा आउट ऑफ ऑल दिस. सो ही इज कन्फ्रंटिंग हर. फिर उसको देखना वो इतनी पागलों जैसे इलॉजिकल बातें करती है, मतलब रियली शी इज सो डैफ्ट, मतलब इतनी स्टूपिड है वो. उसको शी इज नॉट एबल टू कीप अप विद दैट कॉन्वर्जेशन एंड द वे शी टॉक्स मुझे बहुत idiotic लगता है वो जैसे logic से बात करती है. और वहाँ पे because it was weekend का वार सभी लोग वहाँ पे you know बैठे हैं. तो फीफी और you know दिलजीत बोलते हैं कि तुम लोग बैठ के बात करो. he says नहीं हमने कल बात की थी अभी ये नया कहाँ से आ रहा है. सो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये नया कहाँ से आ रहा है, क्यों मुद्दा क्रिएट कर रही है, कुछ हुआ भी नहीं था. फिर उसके बाद मंडे से फिर वो चालू करती है. वो फिर मंडे वो नॉमिनेशन टास्क मनी टास्क उसका रोना धोना कांड शुरू होता है. कल का जो हमने बात किया था अभी टॉय टास्क में अलग करती है. टॉय टास्क में वो देवो को वो करती है. सो देन शी स्टार्ट्स देन शी गोज ऑफेंस ऑन द ऑफेंस विद यू नो सिद्धार्थ. फिर वो यू आर टचिंग मी. फिर वो सेवक बनता है ना उसका वो जो वो तार काटने के टास्क में वो उसका सेवक बनता है. तो फिर वहां से वो शुरू करती है कि दो हफ्ते कुछ हुआ नहीं मुझे यू नो वीकेंड के बारे में कुछ अच्छा फीडबैक नहीं मिला. कॉलर ऑफ द वीक भी कह रहा है कि मैं अपना गेम नहीं कर रही हूँ तो मुझे एस्केलेट करना पड़ेगा. उसकी गेम क्या थी, घूम फिर के सिद्धार्थ पे आती थी. तो फिर वो उधर आके सेटल हो गई. बस अभी उस पर अटैक करना था उसको. तो अगर आप देखोगे उस हफ्ते में उसने वो डोंट टच मी मुझे टच कर रहे हो. फिर वो मी टू आता है. ये सब इसी हफ्ते में होता है, ये टॉय टास्क और जेल वाले के दौरान, इसीलिए उसको जेल में डालते हैं. देन शी टेक्स ऑफ अटैकिंग सिद्धार्थ वॉज हर ओनली गेम. उसको गेम जीतनी भी नहीं थी, वो इतना फोकस थी सिद्धार्थ पे और कि इसको कैसे इसकी जो उसने उसको लगा जो बाहर उसने मीडिया में जो किया था वो फिर यहाँ पे दोहराएगी. So that is what happened. So the first 2 weeks, she was trying something. She was seeing ki dekhte hain ye kahan jata hai, uske sath connection bana pati hai. Because usko bahar se bhi jo tha baggage lekar aayi thi wo, usko uske sath connection mere hisab se, maybe I'm overreaching, but mere hisab se wo connection bana ke fir usko niche girana tha. अगर वो बना पाती तो, बट सिद्धार्थ ने नहीं बनने दिया. सो दैट्स व्हाई शी वाज इरिटेटेड अगेन ऑल ओवर अगेन. तो वो ज्यादा ऑफेंस में गई बिकॉज फिर वो फिनाले में गई. क्या बोलते हैं वो फर्स्ट फिनाले में उसको एविक्ट लाइक कर दिया गया. फिर वो वापस आई. फिर उसको फिर रामलाल करके यू नो क्रचेस दिए उसको. उसकी बहुत बेबी सिटिंग हुई राइट. तो जब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो चाय वाला हुआ. फिर चाय वाले बाद फिर वो वाला हुआ जो पोकिंग वाला हुआ, जो कॉलर ऑफ द वीक हुआ था. फर्स्ट वन आई थिंक पास्ता वाला ना, देन चाय वाला. नहीं पास्ता तो बस पास्ता वाज या पास्ता वाज लाइक टू पोक हिम. बट चाय वाला टू पोक हिम एंड ही वांट्स कि विशाल को उसके अगेंस्ट कैसे किया जाए. क्योंकि आई थिंक विशाल का भी उसमें था कि वो मोमो की साइड चला गया उसी गेम में ना, उसी एपिसोड के बाद. नहीं, मैं वाज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स. बट या आई मीन बेसिकली मोमोस गेम वाज ओनली सिद्धार्थ, वाज हाउ टू गेट एट सिद्धार्थ. सो डिफरेंट वीक्स में उसने डिफरेंट चीजें ट्राई की. सो इवन नहीं तो
एक्चुअली वही मैं बात कर रही हूँ ना कि वो विशाल का आप वही बात मोमो की गेम की बात कर रही हो ना, तो विशाल को भी उसका था ना कि अपनी टीम में लेना, वो एक उसका ये भी आई थिंक था कि जितने लोग मेरे साथ होंगे तो मैं स्ट्रांग होंगी, तो उस ऑब्वियसली था या है ना उसको एक ये भी मेरे को कभी कभी मतलब कभी कभी क्या उसका या ये था कि जितने लोग मेरी तरफ उसका पहले जब से भी ही जा था, दैट या वाज फ्रॉम ग्रुप वीक बड़ा वन. हुआ, हाँ ग्रुप बड़ा नो बट हुआ दैट वाज फ्रॉम वीक वन, बिकॉज इवन इन ड्यूरिंग वीक वन, सॉरी टू इंटरप्ट, बट शी पुश्ड अब्दुल्ला ऑन द अदर साइड, दैट्स व्हाई शी वांटेड टू गेट ओएमजी ऑन हर साइड. तो ये या टॉय टास्क में वही वही चीज होती है, ओएमजी उसके तरफ आ जाती है बिकॉज वो अच्छे से मैनिपुलेट कर लेती है. फर्स्ट वीक में उसको परखती है, सेकेंड वीक में ट्राई करती है, और थर्ड वीक में उसको ले लेती है ओएमजी को उसके तरफ. तो धीरे धीरे वो करती है. ये पारस जो स्विच होता है शादी के टास्क में, इट्स अ प्लान स्विच. ये या कोई ऐसे नहीं है कि उसको सडनली सीधा ठीक लगने लगा, ये बकवास है. ये पूरा एंड विशाल, जब से विशाल आया है तब से उसको रश्मि के साथ ही खेलना था. इफ यू नोटिस, उनका उसका पहले से ही था, वो सिद्धार्थ के टीम में गया टू नो व्हाट देयर स्ट्रेटजी इज बिफोर ही स्विच्ड. दिस होल पास्टा थिंग, इनकी प्लानिंग, वो अगर आप देखोगे पहले से, जब विशाल फर्स्ट एंट्री हुई थी उसकी वो बोरी वाले टास्क के वीकेंड के वार पे, उसने जो सबके बलून्स बर्स्ट किए थे, उसने एवरी वीकेंड के वार में उसके बाद मोमो का ही फोड़ा है कि आप खुल के नहीं आ रही हैं, आप खुल के नहीं आ रही हैं. वो उसको, हाँ सॉरी, वो वहां पे मुझे ना तब राधिका जी ये बात समझ आई थी कि ये विशाल इसकी साइड ही है अंदर से। आपको पता है एक टास्क हुआ था वो जो वो जो फर्स्ट टास्क हुआ था विशाल के आने के बाद ना, जो बोरियां भरने वाला ना अंदर, तो जो बोरियां भरी गई थी तीन, वो रखी गई थी क्या उसको बोलते हैं, तीन बनाई गई थी ना वो क्रॉस कर राक्षस टनल टास्क की बोल रही हो? टनल टास्क, हाँ टनल टास्क, वो टनल टनल टास्क में उसने ना बोला था कि अब ना उसने बोला था कि अब किसी ने, पता नहीं देवोलीना ने बोला कि अब मेरा जाएगा शायद, मोमो ने बोला नहीं, उसने बोला मोमो का, मोमो बोलती है नहीं अभी सिद्धार्थ का जाएगा पहले, तो वो बोलती तुम कैसे इतनी श्योर हो। तो वहां से मुझे ये लगा था कि वो दिखाया नहीं गया, लेकिन विशाल ने उसके साथ भी प्लानिंग की है, वो ही सीक्वेंस में प्लेटें टूटी जिस सीक्वेंस में मोमो बोल रही थी। तो तब मुझे ये हुआ कि विशाल बातें तो सिद्धार्थ से कर रहा है लेकिन ये खेल मोमो की तरफ से रहा है, मुझे ऐसा फील हुआ था तब। तो वैसे भी आई थिंक वो शुरू से ही आसिम को भी अपनी साइड करना और फिर सना को भी मैनिपुलेट करना, ये सब तो उसका चल ही रहा था ना शुरू से ही। तो बीच में मेरे को लगा था कि ये शायद कॉर्डियल हो रही थी सिद्धार्थ के साथ भी, वो जब अरहान अरहान निकल गया था और ये और मोमो थे, ओ वो थे ओएमजी और उसके वो हो गया था, चोट लग गई थी, तो उसके बाद जब वो गाना शूट हुआ था तो उसके बाद फिर से वो फाइट। हाँ जी या आई थिंक आपने वो जो फर्स्ट 2 वीक्स का पूछा था तो मैंने वो बोला बस. बाद में तो यार इट वाज क्वाइट क्लियर ऑन व्हाट विशाल वाज डूइंग एंड व्हाट मोमो वाज डूइंग. बहुत क्लियर कर दिया था उनकी गेम. और विशाल इसलिए जोकर है, उसने अपने गेम बहुत जल्दी खोल दी. हाँ फर्स्ट आते ही मतलब एक दो वीक, एक वीक में ही, फर्स्ट वीक में उसके कैप्टन, मतलब सिद्धार्थ के कैप्टन वीक में उसने खोल दी थी मेरे हिसाब से, ड्यूरिंग दैट वीकेंड का वार. या और वो उसने हाँ बोलो, सॉरी गो अहेड.
एक्चुअली उसने सिद्धार्थ ने ये बात भी बोली थी ना कि अगर दो कश्तियों में पैर रखोगे तो गिरोगे, ये बात बोली थी उसने विशाल को, और वो वही कर रहा था। किसने? हेलो एवरीवन। अरे आज मैं फोन चार्ज पे रख के भूल ही गई मैं। सो आप उससे पहले बोले, मगर मैं आपको अपडेट करना चाहूंगा आप दोनों को। अभी अभी रात के 2:10 पे इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग कैन जी ने ट्वीट किया है, अंडर माय शू रिमेम्बर दिस मोमेंट माय हार्ट सिंग्स। सो मैं आप दोनों से इस ट्वीट के बारे में जानना चाहूंगा, ये कौन से सिग्नाज मोमेंट की बातें कर रहे हैं आप बताएं दोनों। ओ गॉड, ये तो इजी इजी क्वेश्चन है, इसमें तो स्ट्रेट 100 on 100 आएंगे। आप वो वाला बिल्कुल क्रिसमस स्टेट क्रिसमस वीक का मंडे का एपिसोड है ये, जहाँ पे वो डेनिम ऑन डेनिम पहनती है, सब पूरे थोड़ा सबके। कुत्ता है। हाँ, वो वाला। और वो बेडरूम में लेटा होता है, वो इसके पूरे लाइक बर्तन वर्तन करके वो उसको छेड़ता है सवेरे कि वहां पर बर्तन है वो भी कर देना, ये भी कर देना। और फिर वो आके लेटता है और ये रेडी होके उसके इर्द गिर्द घूमती है तो बोलता है मेरी तरफ मत देखो और ये सब। फिर वो उसको पिल्लो फेंकती है तो वो कहती है मेरे बाप पे मत जा, ऐसे कुछ बोलते हैं बोलते हैं, तो बाप का कहती नाम मत ले, बाप के पास भेज दूंगा। हाँ बाप के पास भेज दूंगा। कि फिर वो बोलती है अंडर माय शू कीप योर क्या कीप योर एटीट्यूड, ईगो। ईगो, कीप योर एटीट्यूड, कीप योर एटीट्यूड आई की अंडर माय शू। हाँ तो फिर वही तो सीन वो है, जहां पे पेट नहीं दिखेगा तो पंजाब कहाँ से पंजाब कहाँ से दिखेगा। दिखेगा। तो ये देखिए, वो रात के 2:10 पे ये ट्वीट कर रहा है सिडनास के बारे में, वो भी सहनाज सिद्धार्थ का स्टाइलिस्ट, ड्रेस स्टाइलिस्ट, स्टाइलिस्ट नहीं है वो, फ्रेंड है, स्टाइलिस्ट नहीं है, फ्रेंड भी है ना, बहुत कुछ हुई क्लोज होगी, फ्रेंड बात निकली होगी है, तो। बहुत अच्छा फ्रेंड है। मुझे लगता है दे आर प्रोबेबली स्पेंडिंग टाइम एंड शी इज मिसिंग हिम बैडली। आई थिंक उनके बातें हो रही हैं और शायद बिल्कुल बिकॉज ये मतलब डेफिनेटली बातें हो रही हैं। हेलो हाय स्नेहा, हाय कुलदीप। मैं भी अभी वही देख के आई हूँ। मैं सभी उसके नहीं नीचे मैं, ना वो क्लिप्स डाल रहे हैं, वो वाली जो अच्छा उसने ट्वीट किया है कैन ने, तो सब, हाँ हाँ सभी उसके नीचे वो वाली क्लिप डाल रहे हैं शनाज की। तो आई थिंक वो भी शायद कोई क्लिप वगैरह देख रहा होगा जो उसने इस टाइम वो किया है कहीं से। या सिदनास कीप योर मोमेंट्स ईगो एंड एटीट्यूड अंडर माय शू, अशो। ये लाइन थी। हाँ बताओ, सिडनास फैंस भी जग रहे हैं, कमेंट सेक्शन फुल कर दिया उन्होंने पूरा रात के हाँ 2:30। हाँ वीडियोस वीडियोस सारी डाल डाल के। राधिका जी एंड स्नेहा जी, मैं बताना चाहूंगा एक बार, हमारे जो कल का एपिसोड 16 BB 13 GB आपने किया था, उस वाले लाइव को बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला है, जो आप दोनों ने और मनप्रीत भी आपके साथ ज्वाइन हुई थी, तो वो लाइव बहुत पसंद किया जा रहा है, उसके लिए आप दोनों को थैंक्स। वेलकम थैंक अमन। यू। और आज आप टॉय टास्क से स्टार्ट करने वाली थी, लास्ट में आपने समरी दिया था अपना। हाँ वहां तक पहुंच गए टॉय टास्क तक। तो कल तो वो मनी टास्क हो गया था करेक्ट, और अपनी मैडम लाइक मोमो मैडम 2 rupees ऑस्कर एक्टिंग करती है फीफी के सामने,
वो मेरे लिए नहीं, वो उसके लिए खड़ा है सर, मेरे लिए कौन है, उसने वो बोला था, वो वाला हाँ लास्ट था। और फिर वो जाके सिद्धार्थ के साथ बोलता है, तो फिर सिद्धार्थ का लास्ट एपिसोड का वो सीन होता है कि वी आर फोर टीम स्ट्रांग, मतलब फोर पीपल स्ट्रांग। ओके तो एपिसोड शुरू होता है, खत्म होता है वहां से, बाहर ये लोग वर्कआउट कर रहे हैं, सिद्धार्थ और ब्रो और ये शहनाज और अब्दुल्ला बाहर आते हैं। और वो कहता है कि फीफी अभी हमारे टीम में शायद नहीं है, बस हम चार ही हैं, और ओएमजी के सामने संभाल के बात करना, सब कुछ बात नहीं करना, बिकॉज उसने वो मनी वाले टास्क में देख लिया था कैसे ओएमजी उनके तरफ से खेल रही थी और ताने भी मार रही थी। सवेरे वो रोटियों का मुद्दा हुआ था, एक ही रोटी बनेगी या जो भी होगा, और ये कैप्टेंसी की ड्यूटीज बांट रही थी और बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी, और सिद्धार्थ को भी एटीट्यूड दिखा रही थी। तो कुछ उसको लगा कि ओएमजी निकल रही है अभी हमारे यहाँ से, तो ही वाज केयरफुल, और उसने लाइक फीफी को भी लाइक कट ऑफ कर दिया था इन अ वे, बिकॉज उसको लगा कि वो मोमो की बातों में आ रहा है। वहां पे सीन कट होता है, फिर ट्यूसडे का एपिसोड स्टार्ट होता है। और स्नेहा, डू यू वांट टू स्टार्ट? और नहीं, ट्यूसडे का एपिसोड स्टार्ट होता है वहां से, जहां पे वो मोमो को बताता है कि मोमो को नहीं, ओएमजी ओएमजी को, कि ओएमजी के दिस इज साथ, व्हाट, दिस इज व्हाट यू डिड एंड दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड. मतलब तुमने उसको दो बार फेवर किया, तुमने मैंने मैंने तुमको क्वीन बनाया, और उसके बावजूद तुमने मेरे लिए एक भी बार ये नहीं किया. एक मिनट, हाँ, मेरे मेरे तरफ से आवाज की डिस्टरबेंस हो रही है. नहीं, आई कैन, आई एम फाइन। ओके, तो उस वजह से आई थिंक आई मेरे कैन यहाँ स्टार्ट, आई कैन स्टार्ट अमन इफ यू। अमन प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना? राधिका, यू स्टार्ट, आई विल नहीं कंटिन्यू, हाँ ठीक है, नहीं क्योंकि मेरे तो घर में बहुत फिर सारे लोग एक साथ बोलने लग गए. रुक जाओ, हाँ अब इट्स ओके, कंटिन्यू करो, मैं हाँ म्यूट पे जाती हूँ. हाँ हाँ ठीक है। तो बेसिकली लाइक सिद्धार्थ, जैसे स्नेहा ने कहा, यू नो सिद्धार्थ दे ओएमजी को कन्फ्रंट करता है कि मैंने तेरे को बहुत बार फेवर किया, ऑफ कोर्स मटके टास्क में भी और हॉस्पिटल टास्क में भी आई थिंक वो सपोर्ट करता है। हालांकि हार्ट टास्क में उसने अब्दुल्ला को सेव किया था, बट हॉस्पिटल टास्क में उसको उसके साथ खेलता है। तो वो कह मतलब ही सेइंग कि व्हाट हैपेंड, लाइक वो तार काटने समय, बिकॉज वीकेंड के वार पे पहले वो सिद्धार्थ का तार काटती है, फिर जब वो फाइनल एज अ कैप्टन, शी एज अ क्वीन, शी हैज टू मेक अ डिसीजन, शी सेव्स मोमो बिकॉज इनका टाई हो जाता है। सो वहां पर यू नो सिद्धार्थ को खटकती है बात। फिर बिकॉज मंडे वाले एपिसोड में अब्दुल्ला बहुत अच्छे से आग लगाती है, वही वो 1-to-1, शी अंडरस्टूड इट, शी गॉट इट, वो आग लगाती है दोनों के बीच में। और ये जब ये कन्फ्रंट करता है तो अब्दुल्ला इर्द गिर्द नहीं होती है, बिकॉज उसको लगेगा कि उसको डर होता है कि उसकी पोल ना खुल जाए, तो वो उधर उधर नहीं होती है। बट जैसे लाइक सिद्धार्थ कैसा है ना, ही व्हेन वो जब अपसेट होता है तो उसका थोड़ा बहुत तेज तेज बोलता है और थोड़ा लाउड बोलता है, तो अगर सामने वाले को अगर इंटिमिडेट हो सकता है तो, और लोग उसका फायदा उठाते थे, एक्चुअली ही वाजंट, बट उसका जो बॉडी लैंग्वेज है थोड़ा कभी कभी, बिकॉज ही वॉज वेरी अपसेट कि मैंने तेरे को सपोर्ट किया, तूने क्यों वो नहीं किया। सो देन फिर वो कहता है, यू आर ओके राइट, यू आर फाइन राइट, कुछ कुछ रॉन्ग नहीं है राइट, ऐसे वैसे। शी इज लाइक, हाँ व्हाई कांट आई बी अपसेट, आई एम अपसेट बट आई एम नॉट अपसेट विथ यू। सो ही इज लाइक, सो वी आर ओके राइट, यू नो यू डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट मी। तो वहां पे शहनाज भी लाइक बेड पे लेटी होती है, और वहां पे शी इज लाइक नो वी आर फाइन, एंड देन ही गोज टू द वॉशरूम और समथिंग। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स अब्दुल्ला, अब्दुल्ला को सब सब में खबर रखनी होती है, फिर जाके उसका ब्लैंकेट निकाल के, क्या हुआ मुझे बोल, मैं हूं ना मुझे बोल, ऐसे जाके वो बड़ी
यू नो दीदी बनती है सबकी, फिर वो बोलती है नहीं नहीं लीव मी अलोन, अभी तो मुझे इरिटेट मत कर, ऐसे ऐसे बोलती है OMG अब्दुल्ला को. फिर वो उठ के जाती है यू नो वॉशरूम, इज लाइक मैं अभी देखती हूँ इसका. तो OMG उठ के लाइक वॉशरूम जाती है, वहां पे फीफी शहनाज और सिद्धार्थ ऑलरेडी होते हैं वॉशरूम में. तो ये आके कन्फ्रंट करती है यू नो सिद्धार्थ को कि मैंने तुमको हार्ट दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तुमने क्या किया, तुमने तुमने मैं अब्दुल्ला का किया. तो वहां पर अब्दुल्ला फॉलो करती है इनको कि देखना है उसको कि चल क्या रहा है, दोनों में क्या इक्वेशन है, क्या चल रहा है. शी वॉज वेरी डेस्परेट कि ये दोनों में क्या चल रहा है. अगर उसकी बात कोई निकली तो वो सडनली, उसको जाना भी नहीं होता है, तो वो यू नो वॉशरूम में भी चली जाती है अब्दुल्ला. उसको आई डोंट थिंक शी वॉन्टेड टू यूज द वॉशरूम, बट शी गोज इन साइड द बाथरूम. तो वो उस हद तक उसको मालूम करना होता है कि इनके के इनमें क्या बातें हो रही है. और उसमें से देखो शहनाज और फीफी वॉक अवे बिकॉज उनको लगता है कि उनका, मुझे लगा कि दे वॉन्टेड टू गिव प्राइवेसी, और उनका वहां पे कुछ काम भी नहीं था, सो आई थिंक दे जस्ट वॉकड अवे. बट अब्दुल्ला नेवर वॉक्स अवे बिकॉज शी इज ट्राइंग, शी इज ऑन टू समथिंग कि उसको OMG और सिद्धार्थ के बीच में लड़ाई लगवानी थी, तो वो वही कर रही है. और फिर यहाँ पे कुछ दाल नहीं गलती है OMG की, वो चिल्ला विल्ला के वहां से निकल जाती है. फिर शी गोज टू द क्वीन बाथरूम, इवन वहां पर यू नो सिद्धार्थ उसको लाइक कन्विंस कर रहा है, उसको लॉजिकली समझा रहा है, ही रियली पुट्स अ जेन्युइन एफर्ट ऑन कन्विंसिंग, ऑन ट्राइंग टू कन्विंस OMG टू से लेट अस लुक एट दिस एज अ टीम, मतलब लेट अस लुक एट दिस, लेट्स लेट्स सॉर्ट दिस आउट, और वो मत करो, मतलब लेट्स बी ओके विद इट. ही रियली वॉन्टेड हर ऑन द टीम, बट आई थिंक OMG को मिर्ची लगी थी कि उसका ईगो हर्ट हुआ, उसको बहुत कुछ चीजें हो रही थी. मुझे वो OMG थोड़ी वो ही लगती है, मतलब ढीली है वो माइंड से. आई थिंक शी वॉजंट एबल टू सी द बिग पिक्चर. वो बड़ी वो है, शी गेट्स इन्फ्लुएंस्ड वेरी इजिली, शी डिडंट हैव हर ओन गेम प्लान एंड शी वॉज जस्ट गोइंग विद द फ्लो, गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड ये वो. सो वो वहां से वो निकल जाता है, दे मूव ऑन. फिर उसके बाद कोई सीन नहीं, आई थिंक उसके बाद मॉर्निंग गाना आता है, सॉन्ग होता है यू नो मुकाबला. तो वहां पर थोड़े आप देख लो, थोड़ी थोड़ी चीजें जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी, जैसे मॉर्निंग सॉन्ग शुरू होता है वहां पे देवो OMG उठती है और अपना कौन है रावण और OMG आर हैविंग लाइक अ पिलो फाइट और अ क्विल्ट फाइट और सम काइंड पिलो ऑफ, फाइट, पिलो फाइट। हाँ. और वो सिद्धार्थ मुड़ के देखता है कि क्या चल रहा है. ओके सो दैट वन पॉइंट ही कीप्स इन माइंड. एंड देन बाकी ये सारे बाहर जाके डांस वांस करना शुरू करते हैं, और यहाँ पे शुक्ला जी यू नो शहनाज को जगाते हैं, उसका उसका क्विल्ट हटाते हैं उसके चेहरे पे से. और माय गॉड, अगर कोई यू नो बेडहेड में अमेजिंग लगता है वो है शहनाज. वो नींद से उठते ही कितनी क्यूट लगती है. आई एम लाइक हाउ डज समवन लुक सो अमेजिंग इन विद लाइक अ बेड हेड, मतलब उसके बाल बने हुए नहीं है, वो कितनी क्यूट लगती है वो. यू नो व्हेन व्हेन फोक्स, व्हेन लाइक मॉडल्स से ओ आई वोक अप लाइक दिस, शी कैन रियली कैरी इट ऑफ, शी वेक्स अप लुकिंग अमेजिंग. आई मीन एनीवे, बहुत मुझे वो पता नहीं, यहाँ बहुत पे OMG उसका क्विल्ट भी खींचती है हाँ. सिद्धार्थ का। या सिद्धार्थ का क्विल्ट भी खींचती है. नहीं, सिद्धार्थ का ये वाले दिन को नहीं खींचती है, कल वाले दिन, कल वाला, बिकॉज अच्छा ही इज वेयरिंग अ येलो शर्ट, आई रिमेम्बर, डोंट आस्क ओके मी व्हाई. ठीक है डोंट सर डोंट डोंट, इट्स नॉट फॉर लाइफ. ओके बट या तो आज आज वाले दिन नहीं खींचती है वो, पहले वाले अच्छा दिन खींचती है, बिकॉज पहले वाले दिन उनका दे ट्राई दे उनका दे ट्राई टू यू नो डू, मतलब सी कि यहाँ पे कुछ टीम में रह सकते हैं क्या, एक साथ खेल सकते हैं क्या, ऐसे. सो नहीं खींचती नहीं है यार, आई हैव टू गो बैक एंड सी, मैं देखूंगी
मैं देखूंगी या मेरे हिसाब से खींचती है यहाँ पे मुझे ओके होल्ड ऑन, मैं डीवीआर पे देख रही हूँ, आई विल आई एम वॉचिंग एक्चुअली, आई एम गोना गो एंड वॉच नाउ, मुझे अभी इच हो रहा है. एनीवे तो ये सब होता है और उसके बाद ये बकवास फिर से वो आई थिंक ये चुगली वाला सेशन स्टार्ट होता है ओएमजी अब्दुल्ला डे और मोमो के बीच में, मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है. वो तुमने किसी ने बोला डे को कि दे क्या था वो स्नेहा कि ओएमजी की सबसे बड़ी ओएमजी सबसे बड़ी दुश्मन है समथिंग, मुझे वो बहुत फालतू लगा. हाँ, फालतू का डिस्कशन था, उसको इतना दिल पे लगाने की भी जरूरत नहीं थी. हाँ एग्जैक्टली थैंक यू. ये अगर इनके अनसीन्स एपिसोड में दिखा के ये सब अनसीन्स लगाने थे बकवास वाले. इनकी इनका ना कुछ ना गेम था ना कुछ था, इतने बकवास थे. सो हाँ ठीक है. तो ओके सो फिर उसके बाद वो रोटी वाला, एक रोटी मिलेगी दो रोटी मिलेगी, वो रोटियों में शुरू हो जाता है. और अपनी मोमो मैडम एक ही रोटी मिलेगी सब अलग अलग, मुझे वो भी बहुत फालतू लगता है वो रोटी वाला. शी हैड नथिंग कॉन्क्रीट. और फिर अब्दुल्ला यहाँ आके शांत, बस अब्दुल्ला इधर उधर घूम रही है, शांत आके देखती है कि क्या कौन क्या कर रहा है, कितनी रोटियां मांग रहे हैं. और वो सिर्फ सिद्धार्थ के गुड बुक्स में रहने के लिए रश्मि आज एक ही रोटी बनेगी ऐसे पूछती है. बट शी नोज कि वो कुछ लड़ाई नहीं करेगी यू नो उसके साथ मोमो के साथ. हाँ वो मोमो के साथ उसकी उतनी हिम्मत तो है नहीं लड़ाई करने की. एंड एंड देन बिकॉज यहाँ पे आसिम सॉरी ब्रो और शहनाज और सिद्धार्थ काउच पे बैठे हैं और अब्दुल्ला अपनी चाय लेके ये सब चुगलियां करती है. और उसका ये वाले वीक में ना पता नहीं हमेशा चाय का कप या खाने की प्लेट हमेशा होती थी अब्दुल्ला की, मैंने नोटिस किया है. वो लाइक यू नो तरबूजा एंड ऑल स्टार्ट्स ड्यूरिंग व्हेन भाव कम्स, तब वो तरबूजे बहुत खाती थी. सो हाँ नहीं ये वाला एपिसोड नहीं है स्नेहा. सो ये अच्छा तो वो वाला फालतू था. आई अग्री विथ यू ऑल्सो कि ये मेरी दुश्मन है या सबसे बड़ी दुश्मन है, मुझे वो बहुत बकवास का मुद्दा लगता है. एंड देन आई थिंक उस फिर उसके बाद वो पूरा अभी क्या कहते हैं उसको, कौन सा टास्क शुरू हो रहा है उसके बाद तो वो बेडरूम फाइट होती है ब्रो और इसकी. हाँ बेडरूम का वो फिर वो उनके शटर्स लगते हैं बिकॉज अभी मनी टास्क चालू हो रहा है और फिर वहां पे वो पूरा सेटअप करने के लिए. तो यहाँ पे अभी आसिम चढ़ता है, नेगेटिव वाइब देती है, नेगेटिव इसके खाने में नेगेटिविटी है उसमें गाइस. इतना ही है, मैं डोंट नो स्नेहा अगर आपको उसमें डिटेल में जाना हो, बट मुझे इसमें ये लगा कि मोमो का कोई पॉइंट नहीं होता है. शी टॉक्स अटर रबिश, उसका ना लॉजिक है, वो बस एक बहुत ही मतलब ऐसे सास बहु सीरियल में नहीं, कोई कोई चाचा की बहू आई है और वो सिर्फ लड़ाई लगा रही है लोगों में ऐसे, मतलब वेरी रैंडम. शी हैज नो पॉइंट, शी हैज नथिंग, शी हैज नो इंटेलिजेंस, नथिंग. इसमें एक अच्छी चीज लगी मेरे को ये पूरे इसमें कि सिद्धार्थ और शहनाज एक ही क्विल्ट में लेट के देख रहे हैं ये सब तमाशा और शहनाज एक्चुअली मेक्स एन एफर्ट टू स्टॉप द लड़ाई. और और एक पारस जाके लाइक सिद्धार्थ के बेड पे लेटता है और वहां या बैठता है और वहां पे शहनाज जाके उसको चुप कराने का देखती है. तो वहां पे आई थिंक यू नो सिद्धार्थ ऑब्जर्व कर रहा है उसको बहुत क्लोजली कि ये पारस के साथ क्या क्या चल रहा है इनका कॉन्वर्जेशन, मतलब ही इज जस्ट ऑब्जर्विंग कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं. बट मॉरल ऑफ द स्टोरी फॉर दिस सीन टू मी वाज आसिम में बहुत एग्रेशन है
और उसको बेसिकली पारस के साथ लड़ना था, और पारस ही वांटेड टू लुक स्ट्रांग एंड अभी वो वीकेंड के वार से अभी निकला है, उसको किसी ने वोट नहीं किया, सबने पारस और सिद्धार्थ को वोट किया, तो ही वॉज फीलिंग लेफ्ट आउट, आई फेल्ट लाइक दैट, एंड ही इज जस्ट मेकिंग अप, शोइंग हिज एग्रेशन, एंड ही नोज कि सिद्धार्थ उसको सपोर्ट करेगा, तो वो एक्चुअली उठ के सपोर्ट करता है. फिर यहाँ पे आसिम शुरू करता है ये नेगेटिव वाइब और ये सब चीजें. फिर ये मोमो मैडम रोना चालू करती है बिकॉज शी इज नॉट एबल टू कीप अप विद वर्ड्स बिकॉज शी हैज नो लॉजिक्स एंड वो सच्चाई कभी नहीं बोलती है, तो शी कांट कीप अप विद द ट्रूथ. तो फिर वो क्विल्ट के अंदर जाके रोना चालू करती है, जो उसको आता है. दैट्स द वन थिंग शी कैन काउंट ऑन इन लाइफ इज आंसू एंड एंड टीयर्स एंड 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 ड्रामा. फिर वहां पे ये प्यादे भेजता है, सब वही करता है, ये इसके चमचे हैं, सब वही करता. सिद्धार्थ का कुछ लेना देना नहीं था ये लड़ाई से, ही वॉज जस्ट वॉचिंग, और ये पूरा कन्वीनियंटली पूरा सिद्धार्थ पे डालती है. इसका और कुछ था ही नहीं, ये बहुत गंदा आदमी है, ये गंदा आदमी है, ये ऐसी है, बहुत गंदा बोलता है, ये है वो, ऑल दैट शी इज अगेन. एंड एंड लाइक सिद्धार्थ हैज नो आइडिया व्हाट्स हैपनिंग. ये यहाँ पे बैठ के कहानियां सुना रही है सबको, और सब बैठ के सुन रहे हैं, वहां पे फीफी भी होता है और सब कुछ होता है. एंड एंड सब लोग फिर से आसिम पे ही चढ़ते हैं. उसको लगता है कि ये सिद्धार्थ उठ के आएगा, बट सिद्धार्थ नहीं आता है बाद में. एंड फिर शहनाज ही चुप कराती है उसको, आसिम को, कि अभी लड़ाई मत कर, चढ़ मत, बिकॉज वो डे के ऊपर या पारस के या उसके ऊपर रावण के ऊपर चढ़ने लगता है, तो वो आई थिंक वहां पे शी एक्चुअली. बट यहाँ अब्दुल्ला बैठ के आसिम मत कर, चिल्ला मत, वो कुछ नहीं करती है. शहनाज एक्चुअली गोज एंड स्टॉप्स द लड़ाई. या उसको सो बाथरूम में भेजती है और इसको भी चुप करने को बोलती है। हाँ, उसको लगता है वो, मैं तो सिद्धार्थ के बाजू में बैठी हूँ, तो आई एम द क्वीन एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू. एंड फिर उसके बाद मनी टास्क शुरू होता है. एंड हाँ बोलो, नहीं इसके सॉरी, मनी नहीं, टास्क टॉय टास्क, सॉरी, बोलो बोलो. उसके यहाँ पे है ना मोमो को एक और चीड़ मची हुई थी। एक ये बहुत छोटा सा अनसीन था, उसमें एक्चुअली जब उसको सेवक बनाते हैं ना तो एक एप्रन आता है उसके ऊपर सेवक लिखा हुआ, तो सिद्धार्थ वो पहनने से मना कर देता है और वापस स्टोरेज रूम में रख के आ जाता है वो एप्रन। ये बात होती है डे और मोमो के बीच में, जब जब डे बोलता है कि तुमने उस तु, जब बिग बॉस ने उसको तुम्हारा सेवक बनाया था तुमने उसका यूज क्यों नहीं किया, तुम उससे बहुत सारी चीजें करवा सकती थी ये वो सब। एंड देन फिर डे पूछता है उसको कि वो जो एप्रन आया था कहाँ गया, तो मोमो बोलती है वो तो उसने पहना ही नहीं और सीधा बोल दिया कि ये सब मैं नहीं पहनूंगा और जाके स्टोरेज रूम में फेंक कर आ गया था। ये अनसीन है, मैंने बहुत पहले देखा था लेकिन अच्छा. है ये अनसीन। तो उसको एक चिढ़ मची हुई थी कि इसने बिग बॉस को भी ओवर रूल करके वो एप्रन फेंक दिया, मतलब मैं क्या करवाऊँ इससे और ये कुछ किसी करने वाला नहीं है, तो वो भी थी। तो इसके लिए वो रो धो के चालू हो गया था नाटक। ये सबके लिए रोती है. दैट्स द वन थिंग इन हर लाइफ शी हाँ कैन 2 रुपीज ऑस्कर एक्टिंग, वो हाँ कि रेडी रहेगी. ड्रॉप ऑफ हैट वो रो सकती है इतना, मतलब ऐसा और लग रहा एकदम था जैसे ग्लिसरीन लेकर ही आई है। हाँ, या भरोसा नहीं उसके इन लोग का। हाँ उस उसके बॉडी में खून नहीं, ग्लिसरिन होता है. सो बहुत. और फिर सडनली अभी OMG मोमे के लाइक मोमो के ऊपर जाके उसको मनाती है, ये करती है करती है, तो फिर उसके बाद अपना टॉय टास्क चालू. टॉय टास्क में ये होता है, वो क्या बोलते हैं, नॉमिनेशंस होते हैं, मतलब नॉट नॉमिनेशन, दिस इज फॉर नॉमिनेशंस, एंड दिस इज मेनली फॉर टिकट टू फिनाले, राइट? ये टिकट टू फिनाले होता है. हाँ
जो भी क्वीन बनेगी वो टिकट टू फिनाले जीतेगी, उनको टिकट टू फिनाले मिलता है. तो इसमें टीम्स टीम्स ऐसे होते हैं, शुक्लाज और छाबराज ऐसे होता है ना. और शुक्ला में शुक्ला और आई थिंक फीफी संचालक बनता है ना. फीफी संचालक है एंड आरती, बग्गा और शहनाज है टीम में और आसिम है ध्रुव है सॉरी. और यहाँ में लाइक बाकी का यू नो पंटर बाकी का या ये सारे पंटर पब्लिक ही लगते हैं मेरे को कोई रेस्ट ऑफ द हाउस दूसरे टीम रेस्ट ऑफ द हाउस. तो इनका चालू होता है बहुत ही जिग 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 जिग, मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगा. और ऑब्वियसली शुक्ला की इसमें दिल से खेलती इसमें सबसे कॉमेडी वाला सीन मैं बोलू जहाँ पे मोमो, ओएमजी और डीवा ऐसे तीनों जन एक सर्कल बना के एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे प्रे कर रहे हैं जैसे कि लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन. अरे नहीं इतना अब्दुल्ला वहां हाँ. बेड पे बैठ के भगवान मुझे सही से जीतना है, मुझे ये करना है, मतलब ये साला पूरा नौटंकी वीकेंड के वार के लिए होता था और हाँ. कुछ नहीं कि मैं कितनी कंफ्यूज, मैं कितनी प्यारी बच्ची, मैं लुक एट मी आई एम सो क्यूट. मतलब अब्दुल्ला उसके वो दो पिगटेल्स बना के शी वाज एक्टिंग सो क्यूट. अब क्यूट दिखना पड़ेगा ना शहनाज को टक्कर देने के लिए. हाँ, और शहनाज तो कितनी क्यूट लग रही थी. हाँ. और उसने वो क्या कहते हैं वो हेयर बैंड भी पहना हुआ था. ओह माय गॉड का ओह वाओ शी वाज लुकिंग एकदम डॉल लग रही थी डॉल. तो एंड शी डजंट इवन हैव टू ट्राई, मतलब उसका वैसे ही वो मस्त लगती है. बट एनीवे तो होता है सब रेडी हो रहे हैं और ये अपनी अब्दुल्ला मैडम लाइक अगर मेरे नसीब में है तो मैं जीतूंगी, पता नहीं क्या क्या करती है भगवान को करती है. और मैंने कहा यार तिते को कॉपी करनी है एग्जाम में जाके, चीटिंग ही करनी है तो तू भगवान को क्यों कर रही है. ये आई थिंक रियल में भी ऐसी होगी. एग्जाम में पहले भगवान को करती है और वो वहां पे सबसे लाइक चोरियां करके. हाँ उसने बोला है ना कि मैं स्कूल में भी ऐसे ही बोलती यार प्लीज 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 एक एक क्वेश्चन बता दे प्लीज यार प्लीज घर में बहुत बात, मतलब वो वैसे कॉपी करके ही पास हुई है उसने बोला है कोई तो एक अनसीन में. मैं बताऊंगी आपको कहाँ बोला है वो. हाँ मुझे पता है बिकॉज विशाल और विशाल वो डीवा सब थी और सिद्धार्थ बैठ के कौन स्कूल के बारे में स्कूल के बारे में कौन क्या होता. तो अब्दुल्ला ऐसी स्टूडेंट होगी जो प्लीज 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 मेरे को दे दे वरना यू नो वरना मम्मी डांटेगी कि मैं फेल हो गई. शी इज लाइक हाँ मैं ऐसी ही हूँ. तो हम इसको फटाफट कम्प्लीट कर देते हैं ये वाले वीक को. ठीक है. जेल वाला वीक लाइक जेल वाले दिन थोड़े लंबे जाएंगे. तो एनीवे इनके स्ट्रेटजीज लगते हैं भाई कि यू नो सिद्धार्थ बोलता है कि हमें ठीक से करना है, हमें टॉयज बनानी है, हमको अच्छे से जांच परख के वो करना है. और जितने मतलब वो सिंसियर अपना पूरा टीम शुरू हो जाता है और ये लोगों का शुरू होता है कि हम रद्द करवाएंगे टीम्स पे, मतलब ये मैं अप्रूव नहीं करूंगा एक भी उनका. हाँ ये बेसिकली पहले से ही था कि रावण रावणपना करेगा और पूरा रद्द करवाएगा. दैट वाज द ओनली स्ट्रेटजी. इसको कोई खेलना नहीं आता था, इसका ना दिमाग चलता था. ही डिडंट हैव अ एनालिटिकल माइंड एट ऑल. तो उसको समझ ही नहीं आता था एक तो आधे टास्क मुझे लगता है. उसको बस अटेंशन चाहिए थी और इनकी एनीवे इनका तो यू नो पप्पू ही बन गया था ये पूरा रावण रावण बना पप्पू. तो वो वही होता है फिर पता नहीं आई थिंक दे गो यू नो वन आफ्टर द अदर एंड कौन कौन जाके वो टॉय वो पूरा
लाइक रॉ मटेरियल लेकर आते हैं उसमें से ना, वो जो क्रेन आता है नीचे ऊपर से, तो ये सब होता है और अपना चालू करते हैं। फिर फर्स्ट इसमें सिद्धार्थ और ब्रो जाता है, सिद्धार्थ और ब्रो जाते हैं और बहुत मटेरियल लाते हैं। फिर बाद में आई थिंक दे चेंज द स्ट्रेटजी ये लोग, बट डे और ओएमजी को उतना सामान नहीं मिल पाता है, बट फिर भी वो बनाना शुरू कर देते हैं, राइट? नहीं, उसने है ना एक बास्केट है ना वो अनअटेंडेड छोड़ देती है ना, तो ब्रो उठा के भाग जाता है वो बास्केट। ओके ओके, तो उधर है ना फिर उस चीज पे ही झगड़ा स्टार्ट होता है वो टास्क के अंदर। या सो फिर उसके बाद या आई मीन उस ये वाले वीक में मुझे ब्रो बहुत उसका एग्रेसिव साइड निकलता है बाहर। आई डोंट नो वो ज्यादा ट्राई करता है बिकॉज ऑफ उसको दिखना है, अदरवाइज फिर ही विल बी द नेक्स्ट पर्सन टू गो, नेक्स्ट पर्सन टू गो। हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो आई थिंक दैट्स व्हाई वो थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहा है वो एग्रेशन या जो भी जो भी। फिर यहाँ पे पूरा लड़कियों का ही था और फिर लड़कियां अपना शुरू करते हैं टास्क क्या वो करना, और यहाँ पे डीवा बहुत गंदी गंदी बातें बोलती है शहनाज के लिए, बहुत गंदी बातें। दे आर स्पीकिंग अटर नॉनसेंस और बहुत ही मतलब बिलो द बेल्ट, हाँ बहुत गाय है ये। आप बोलते हैं और शहनाज अच्छे से उसको दे, शी इज लाइक ओके यू नो टॉक टू माय हैंड वाला, वो देखती भी नहीं है और बट बहुत बहुत गंदे मतलब पर्सनल लेवल पे जाके ये लोग पोक करते हैं। अगर आपको किसी को देखना हो, नहीं देखना हो तो भी ठीक है, बिकॉज उन्होंने कुछ अलग किया ही नहीं है, पूरा सीजन यही कर रहे थे वो लोग, सो देयर वाज नथिंग ग्रेट व्हाट दे डिड। They had no strategies, they had no logic, they had no intelligence. Bas kisi ko kaise you know bully karna hai, you know gundagardi karna hai, bas yahi kar rahe the. So it's not worth even seeing that again. यहाँ पर भी शनाज इन लोग की ये लड़कियों की गेम खोल देती, जो क्योंकि वो लोग बार बार बोलते अगर तू मर्द होता ना तो तू वापिस देता वो हमारा सामान। तो ये बोलती है तुम लोग क्या है बार बार लड़का लड़की लेकर आते हो करके, क्या लड़का लड़की सब बराबर होते। तो जब ऐसा बोलती है तो उनके पास कोई काउंटर अटैक के लिए कुछ होता ही नहीं है, तीनों जन चुप हो जाती है। या व्हाट इज दिस मर्द मर्द ऐसे बोलती है वो। सो वहां पे फिर देवो उसको बोलती है तू अगर देख इससे बात किया तो देख तू बात नहीं करेगा ये वो। तो यहाँ पर यू नो शहनाज बोलती है क्यों तेरा क्या जा रहा है ये अगर मेरे से बात करे तो, एंड ऑल दैट। एंड आई नो उससे पहले बहुत कुछ हुआ है बट आई डोंट नो अगर स्नेहा आपको बोलना हो सीन टू सीन, बट आई डोंट नो आई फाउंड इट क्वाइट वेस्ट ऑफ टाइम द वे देवर, बिकॉज ये यू नो बग्गा को बहुत बातें हो रही थी, बहुत मतलब गंदी गंदी बातें बोल रहे थे ये लोग, ये टीम से वो टीम को हाँ you know punter team to Shukla team aur ye diva uski international star wali acting kar rahi thi yahan par ek cheez hai ki Aasim ko wo bolta hai ki tu personal mat le tu team ke hisab se khel, team ke hisab se correct hai, diva ke upar mat chadh ya jo bhi ki thoda wo mat kar matlab don't get carried away. I think वो मुझे लगता है कि it started to build because Aasim didn't like उसका ego hurt होता था हमेशा जब वो ऐसे बात करता था, तब उसने कुछ नहीं कहा but बाद में वो उसमें बहुत बड़ा male ego था, उसको जब भी उस चीज पे point out किया गया कि तू मर्द नहीं है and all, तो उस चीज पे वो बहुत ज्यादा react करता था। हाँ, और अभी भी है उसको मेल 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 का पता नहीं, सबको ईगो होता है बट इसको कुछ इन्फ्लेटेड ईगो है आई थिंक, उसको एक मेल ईगो ही है। देखो आप पूरे सीजन में देखो जहाँ पे भी उसकी क्या बोलते हैं हिंदी में बोलने जाएंगे तो मर्दानगी को क्वेश्चन करते हैं ना वो फट जाता है, वहां से उसका पूरा आपा खो देता है वो। Okay. That is, उसकी एक वीकनेस है और उसको मोमो ने पकड़ ली थी वो चीज को कि हाँ. अगर उसको बोलेंगे ना मेल ईगो पे उसके ऊपर पॉइंट आउट करेंगे ना
तो ही विल फाइट बैक एंड दैट्स व्हाट दे वांटेड फ्रॉम हिम. इसके लिए बार बार ये टॉय फैक्ट्री में तो उसको बोलते तू मर्द होता ना तो तू वापस देता, तू मर्द होता ना वापस देता, तो उस लोग वो ट्रिगर कर रहे थे. तो इसके लिए सिद्धार्थ को बाहर लेके जाके बोलते है कि यू वेर राइट ऑन योर रूल्स, तूने जो किया रूल्स के अंदर किया, सो डोंट नो नीड टू एक्सप्लेन, तू जो कर रहा है ठीक कर रहा है, सिर्फ तेरा कंट्रोल कर. तो वो उस मतलब सिद्धार्थ को भी समझ में आ रहा था कि ये लोग क्या करने चाह रहे थे और ये कहां फट रहा है. और दैट वाज अ गुड पॉइंट डेफिनेटली. और फिर उसके बाद ये डीवा पता नहीं इसके कान भरे हुए, इसकी आंखें हैं, ये है वो है. और इसमें भी आई थिंक यहाँ पे मोमो ओएमजी को बोलती है कि वो चीज शुक्ला ने नहीं बोली थी कि देवो सबसे, मतलब ओएमजी सबसे बड़ी दुश्मन है, जो भी था वो फालतू. वो आरती और अब्दुल्ला और इसमें लड़ाई लगाती है बेसिकली. मोमो वांटेड ओएमजी टू ऑन हर साइड, मतलब हाँ. तो अब ये एक लास्ट है, उन लोग ने एक प्यादा तो पकड़ लिया था डे को, तो उसने डे के मुंह से बुलवाया कि ये अब्दुल्ला ने बोला है करके. डे वाज लाइक टोटली अ पपेट इन हर हैंड, मतलब पूरा कठपुतली के जैसा हो गया था. मोमो बोले उठ तो उठ, बैठ बोला तो बैठ. मतलब मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था उसका कि सेकेंड वीक में ही वॉज सो अगेंस्ट ब्रह और थर्ड वीक आते आते वो एकदम पपेट बन गया था उसके हाथ में. हाँ, बिकॉज उसको वहां पे चलने वाली नहीं थी ना. ओके, तो इसके बाद स्नेहा क्या होता है, ये वो डे और ओएमजी और क्या मोमो का वो था जो भी कि हाँ अब्दुल्ला ने कहा था कि सबसे बड़ी दुश्मन तो ओएमजी है, तो दैट वाज द ब्रेकिंग पॉइंट. उसके बाद फिर और ओएमजी मतलब अब्दुल्ला को भी वही चाहिए था कि वो इसके टीम में ना रहे. हाँ, और सिर्फ अब्दुल्ला ही अब्दुल्ला रहे हर जगह. उसका वो था सब मेरे लिए खेले, सब मुझे सब मेरे लिए खेले. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. और लेकिन वो इंडिपेंडेंट है तो ये सब हुआ. फिर उसके बाद फिर से वही लड़ाइयां. मैं बहुत दिमाग खराब किया. फिर वो रावण बोलता है सब अपने अपने बर्तन करो. ही इज लाइक यू नो सिद्धार्थ इज लाइक मैं क्यों करूं, लाइक मेरी ड्यूटी नहीं है, मैं अपनी ड्यूटी करूंगा. यहाँ पे भी वो लोग गेम खेलते हैं. देखो वहां पे वो लोग सब में है ना सना का भी नाम लेते कि सना थी वहां पे, जबकि सना है ही नहीं वो रूम में. दैट्स व्हाई वो और चिढ़ता है कि पता नहीं तुम कहां हो करके. हाँ, और या बस वही होता है उसमें, और कोई कॉन्क्रीट चीजें है ही नहीं. फिर नेक्स्ट डे वाले एपिसोड में काफी कुछ चीजें हैं जो मतलब गेम के हिसाब से अच्छी हैं. यू नो सिद्धार्थ का फर्स्ट टाइम पोजेसिवनेस दिखाई देता है शहनाज के लिए, और उनका जो हर्ड गेम होता है वो बाद में, मतलब दिस इज द बिगिनिंग, लाइक दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, बट वहां से शुरू होता है. क्यों पता है? और एनी अदर पॉइंट्स? हाँ. यहाँ पे ओएमजी बोलती है ना रावण को कि खबर जाल तो तूने उसको आज के बाद मुंह लगाया था, तो बोलती है तू सिखाएगी मुंह लगाना, तू बताएगी क्या मुंह लगाना, मैं तो कभी सिद्धार्थ को ऐसा बोलती नहीं हूँ करके. तो यहाँ पे बोलती है शहनाज ये सब चीजें और ये सब सुन रहा है, तो वो बोलता है कि तुझे इससे इतना इफेक्ट नहीं होना चाहिए करके, तुझे क्यों इतना इफेक्ट हो रहा है जो बोलती है. हाँ, बोलने वो खींच के बाहर लेती है. हाँ, that was the Wednesday episode कि तू प्यार में है पारस के, that happens. हाँ, that is he, वो Wednesday पूछता है, लेकिन हाँ, हाँ, वो जब यहाँ पे सब झगड़ा होता तो खींच के, हाँ, तू effect क्यों हो रही है, और उसको खींच के बाहर लेके जाता है. वो बहुत उसको diffuse करने की कोशिश करता है शहनाज को कि तू इन सब चीजों में मत पड़, this is not a good way to you know to like get into the game. Yeah, and Momo बैठ के डीवा को भड़का रही है. डीवा को तो भड़काने की जरूरत नहीं, हो ऐसे भी पूछ है, कोई भी सीजन में आती तो पूछ ही बन के रहती किसी ना किसी की. पूछ तो, मुझे वो नहीं लगती है, मुझे रावण पूछ लगा. हाँ, आगे चल सेकंड हाफ से वो पूछ बन गया और ये आगे बढ़ गई.
और जो शहनाज ने उसको बोला भी है हाँ, कि तेरे को खिला रही है वो हाँ, तू नहीं खिला रहा उसको या सो या दिमाग उसमें बहुत था, नहीं ऐसा नहीं, उसको पता था कि कहाँ मौके का फायदा उठाना है. या बट आई थिंक वही था एपिसोड, उसमें और कुछ ज्यादा था भी नहीं. वेंसडे का एपिसोड शुरू करना है तो कर सकते हैं, या अमन आपको यहाँ पे एंड करना तो आप कर दो.